रियली शॉकिंग रिजल्ट्स जो हमने खुद ने देखे हो तब मुझे लगा कि यार एक्चुअली जर्मनी में पैसा ही पैसा है वो जो एक आ, हमारे यहाँ पे जनरल कल्चर है ना लोगों को जज करने का आप उससे दूर हो जाते हैं यहाँ पर आपको कोई जज नहीं करता टैक्स क्लास फाइव में उसकी ऑलमोस्ट 50 परसेंट सैलरी गई टैक्स क्लास इतना टैक्स कट जाता है बल्कि ये टैक्स कम कटा हुआ है सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू चैनल इंडियन गर्ल इन यूरोप हम लोग जो है वो आज फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जैसा कि टाइटल देख के आपको समझ में आ रहा है कि हाँ करोड़ों रुपए आप जो है कुछ ही सालों में जर्मनी में सेव कर सकते हैं कैसे हम आपको एक केस बताएंगे एक एग्जांपल बताएंगे अगर एज ए कपल आप यहाँ पर मूव करने वाले हैं और क्या बताने वाले दीपक इस वीडियो में हम बेसिकली तो आईडिया ये है कि आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन uh, दी जाए कि आप एक पर्टिकुलर सैलरी पे एज ए कपल यहाँ पर मूव होते हैं तो क्या उसके फायदे हैं क्या नुकसान है और आप कितना पैसा कितने समय में जोड़ सकते हैं सबसे पहले पहले तो थैंक यू बोलती हूँ एक वीडियो जो हमने बन बनाया था कि एक जो सिक्सटी थाउजेंड अगर आपकी सैलरी है तो आप यहाँ पर कितना सेव करेंगे आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी जिसमें बेसिकली हमने लाइफ स्टाइल चेंजेस बताए थे जो हम इसमें भी बताएंगे कि एज़ ए कपल के कैसे लाइफ स्टाइल चेंजेस आएंगे उसमें तो जो चीज़ें हैं वो तो ऑफकोर्स सेम चीज़ें रहेगी तो वो वीडियो भी देखो बट यहाँ पर हम एज ए कपल जो है वो डेडिकेटेड टू उनके लिए बताएंगे hmm. और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वीडियो जो है तो हाँ क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैक्सिमम लोग अगर मैं बात करूँ मतलब ज़्यादातर लोग जो इंडिया से आ रहे होते हैं आईटी जॉब्स के लिए या फिर डायरेक्ट जिनको जॉब मिल रही होती है वो दोनों हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जनरली वो लोग वर्किंग ही होते हैं और साथ में यहाँ मूव हो रहे होते हैं तो दोनों लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और अगर दोनों लोग जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं तो तो क्या सिनेरियो बनता है तो है पैसा होता है और क्या करोड़ों रुपए छापेंगे और क्या वो वो हम रियलिटी में बात करते हैं <laughs> चलो तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक केस जैसा कि हमने उसमें बताया था उस वीडियो में इस वीडियो में दीपक है अगर जैसे हम दोनों हैं तुम्हारी सैलरी है यूरोज और मेरी है फिफ्टी थाउजेंड दैट मीन्स अगर हम इंडियन आ, रुपीज में अगर देखें तो इट्स एग्जैक्टली लाइक अप्रोक्सीमेटली टू वन करोड़ सैलरी पर एन ठीक है अब इस एक करोड़ की सैलरी तो बहुत वाव लगती है राइट कि आप एक साल में एक करोड़ कम्बाइन जो है एक करोड़ सैलरी कमा रहे हो

जो लोग इंडिया से यहाँ मूव कर रहे होते हैं ब्लू कार्ड पर तो वो हम लेके चल रहे हैं कईयों की सैलरी इससे ज़्यादा होती है हो की कम होती है पर ये एक एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी हम रिज्यूम करके चलते हैं इवन ब्लू कार्ड में मिनिमम सैलरी फिफ्टी होती है अब शायद रिवाइज हुई है तो मान के चलो आप दोनों की अगर 60 60 भी है तो भी अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया मिल जाएगा तो म्यूनिक जैसे शहरों में कई बहुत ज्यादा होती है तो ये एक एजेंशन है एवरेज सैलरी को इसको लेके हम शुरू करते हैं सबसे पहले दीपक जस्ट अपन एक कैलकुलेशन करते हैं डिवाइडेड डिवाइडेड सबसे पहले तो लोग यही करते हैं और उसी पे बोल देते हैं अरे यार इस बंदे या इस बंदी की तो इतनी सैलरी है ठीक है तो कितना अगर हम इन हैंड माना जाए अगर डायरेक्टली डिवाइडेड बाई ट जो है है 1100000 डिवाइडेड बाय 12 करें तो हमें कितना बनता है इन हैंड देखो एप्रोक्सीमेटली 9000 समथिंग कुछ बनेगा आपका महीने का ठीक है विदाउट टैक्स हाँ विच इज इक्विवेलेंट टू 8.5 लाख पर मंथ ठीक है अब क्या आपको एक्जेक्टली exactly इतना पैसा मिलेगा वो बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं <laughs> तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं <laughs> तो वो हम बताएंगे कितना मिलेगा आपको और हम ये भी बताएंगे कि आपके कितने एक्सपेंसेस होंगे मैक्सिमम और आप आप कितना सेव करोगे वो हम एंड में बताएंगे कि इतना सेविंग आप कर पाओगे और कितने साल में आप अपने अकाउंट में करोड़ रुपए जो है वो सेव कर पाओगे और आप करोड़पति बन जाओगे और उसके साथ साथ लाइफ में आप क्या क्या और अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाओगे या क्या डिसेजेस होंगे वो भी देखो अगर दो लोग आए जैसे हमने कि एक की 60 है, दूसरे की 50 या मान तो के चलो, तो और दूसरा टैक्स क्लास फाइव होगा तो जनरली जिसकी होती है, वो क्लास थ्री में रहते हैं क्योंकि टैक्स थोड़ा कम कटता है और जिसकी सैलरी कम होती है वो क्लास में अपने आप को डाल देते हैं ताकि टैक्स थोड़ा ज्यादा भी कटे पर कम सैलरी पर कटता है वो तो उससे ओवरऑल आप थोड़ा ज्यादा बचा पाते हैं पर दीपक ये एक्सप्लेनेशन हम बताते हैं ये बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन है हम पहले कुछ अच्छी चीजों पे आते हैं जो कि है कि क्या लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे और एज ए कपल कितना एंजॉय कर पाएंगे यहाँ पर या उनके जिंदगी में कौन कौन से कलेश हो सकते हैं आने पर <laughs> सबसे पहले जो तुमने पहला पॉइंट बताया था लाइक like हमने पहले हम कोई भी वीडियो बनाने से पहले खुद डिस्कस करते हैं यार क्या चेंजेस हो सकते हैं क्या अच्छी बातें क्या बुरी बातें तुमने एक बहुत अच्छी बात बताई थी जस्ट हमारी ऑडियंस को वो बताओ तो सबसे अच्छी बात जैसे ही आप यहाँ पे मूव होते हैं वो जो एक आ, हमारे यहाँ पे जनरल कल्चर है ना लोगों को जज करने का आप उससे दूर हो जाते हैं यहाँ पर आपको कोई जज नहीं करता आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं आप क्या करते हैं आप क्या पहनते हैं क्या खाते हैं क्या बोलते हैं क्या कर रहे हैं कोई आपको जज नहीं करता है जो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है हमारी लाइफ में सडनली ऑल ऑफ अ सडन हमें एकदम से फ्रीडम सा महसूस होता है वो इसीलिए महसूस होता है कि हम उस उस जो डर है उससे बाहर निकल आते हैं कोई हमें जज नहीं कर रहा हम रोड पर बैठ जाते हैं हम कुछ भी करने लगते हैं हम डांस करने लगते हैं चलते फिरते लोगों रोड पर तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है आप अपनी डेली लाइफ में महसूस करोगे कि आप अपनी ज़िंदगी थोड़ा सा अपने हिसाब से जी पाते हो फॉर लड़कियों के लिए क्योंकि ऑफकोर्स आप एज ए मैरिड कपल ही आओगे तो मेरे को भी ऐसा लगता है एक फ्रीडम फ्रीनेस बोलने की कपड़े पहनने की घूमने की कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं करते हो जो एक बहुत अच्छा चेंज हो सकता है एक कपल की लाइफ में और उसी के साथ साथ मतलब एक और फैक्टर ऐड होता है सेफ्टी का तो सेफ्टी देखो एक ये ऐसा वर्ड है जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि ये कंट्री ज़्यादा सेफ है वो कंट्री कम सेफ है पर जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है जर्मनी बहुत सेफ़ है इस मामले में आप आते हो आपकी वाइफ अगर कहीं गई है या आपकी गर्लफ्रेंड कहीं गई है आपकी सिस्टर कहीं गई है काम से ऑफिस के काम से या किसी ऑफिस के ट्रिप से और वो रात को लेट आ रहे हैं तो आपको जरा भी टेंशन नहीं होती जो कि इंडिया में टेंशन तो होती है बॉस अगर रात को बारह बजे एक बजे दो बजे इवन आप टैक्सी में अगर लड़की अकेली जा रही है तो भी टेंशन होती है ट्रैक आप बोलते हो वही टैक्सी का नंबर भेज दो ट्रैक करते हो वो चीजें या नहीं आप रात को अकेले घूमो किसी भी टाइम आओ वॉक करो आप दोनों रात को निकल जाओ दो बजे तीन बजे वॉक करने तो वो आपकी एक मतलब टेंशन आपके से दिमाग से दूर हो जाती है वो सडन चेंज आपको इमिडियटली आते ही दिखेगा उसके अलावा बहुत ही पीसफुल लाइफ लगेगी आपको एक लाइफ लगेगी यार ये बहुत ही क्वालिटी लाइफ है हाँ, देखो जैसे सुरभि ने बोला क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ के बहुत सारे पैरामीटर होते हैं और बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं पर एक आम भाषा में और एक आम इंसान की उसमें बात करूं तो मैं आपको भैया अच्छी शुद्ध हवा साफ सुथरा एनवायरनमेंट अच्छा ट्रांसपोर्ट सेफ्टी खाना प्रॉपर आपको मेडिकल फैसिलिटीज हेल्थ केयर सर्विसेज आपको ये सारी चीजें मिलती हैं तो इन सब चीजों को अकोमोडेट करके जब आप देखते हो तो क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पे आप बोलते हो कि थोड़ा इंप्रूव होती है इंसान की कंपेयर टू इंडिया एक सबसे इम्पोर्टेंट एक दूसरे के लिए टाइम वो वो तो बहुत बड़ा फैक्टर है जो टाइम की मैं बात करूँ सुरभि मैं कल ही अपने फ्रेंड से बात कर रहा था इवन इनफैक्ट आज सुबह ही वो तो मैंने उससे पूछा क्या कर रहा है भाई कह रहा कुछ नहीं पेड़ देख रहा हूँ आराम से बालकनी में बैठकर तो ये चीज़ें ना होती होगी कईयों हो की लाइफ में इंडिया में पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में नहीं होती मतलब नहीं। नहीं। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठे हो आराम से रिलैक्स कर रहे हो नहीं। दोनों नहीं। लोग साथ में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा है मोस्टली कि आपको इनफ टाइम मिलता है आपकी फैमिली के साथ आपके पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का आप बहुत चीजें कर पाते हो जिनके बारे में आप सोच रहे हो आप अपनी हॉबी फॉलो कर पाते हो आप दोनों साथ में बैठ के डेली डेली साथ में बैठ के बात कर सकते हो वॉक कर सकते हो मूवी देख सकते मूवी देख सकते हो मतलब और बिना किसी डायवर्जन के बिना किसी शोर शराबे के बिना किसी टेंशन के कि यार ऑफिस हम तो यार करोड़ों रुपए कमा रहे हैं हमें तो ऑफिस में ये डेटा भेजना है वो डेटा भेजना है उसके टेंशन के बाद कुछ टेंशन नहीं ऑफिस की और सबसे बड़ी बात एक एनवायरनमेंट भी बड़ा पीसफुल है यहाँ पे इतना शोर शराबा नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता है वो भी आपको इमिडियटली डिफरेंस फील होगा आते से ही और जैसा हम बोल रहे थे कि आप एक दूसरे के लिए टाइम स्पेंड कर पाते हो आप अपनी फैमिली के बारे में और चीज़ें मतलब आप और ज़्यादा टाइम दे पाते हो और आप चीज़ें समझ पाते हो एक दूसरे को तो वो बहुत बड़ा एक डिफरेंस फील होता है मुझे एक्चुअली एंड देन चेंजेस में एक और चीज़ लगती है आप अपनी फैमिली के बारे में सोच पाओगे अगर आप इंडिया में इतनी सैलरी जैसे अगर आप इस सैलरी पे यहाँ आ रहे हो तो अफकोर्स आपके इंडिया में बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ होगी आपको शायद एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होगा शायद आप अपनी फैमिली प्लान नहीं कर पा रहे होगे उसी की वजह से यार की काम है ये है वो बट ये एक बहुत अच्छा चेंज आप यहाँ पर देखोगे कि आप जब यहाँ पर आओगे जब आप इतना अर्न करोगे तो आप अपनी फैमिली के लिए भी टाइम दोगे प्लस आप अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए भी सोचोग दोगे एंड एट द सेम टाइम आपको फाइनेंशियली प्रेशर भी नहीं आएगा और आप खुद को भी टाइम दे पाते हो और फॉर एग्जांपल संडेज को सब बंद रहता है यहाँ पे वो बड़ा इरिटेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग फैक्टर भी है और ऑन द अदर साइड वो बड़ा रिलैक्सिंग चीज़ भी है कि आप कुछ नहीं मतलब हर चीज़ बंद है आप बस शांति से संडे के दिन बैठे हुए हो बस कुछ नहीं करना है ये बहुत ही अच्छी चेंजेस हैं बुरे चेंजेस बहुत काफी बार हमने बताए आपको वो सेम ही है चाहे वो कपल हो चाहे वो सिंगल हो आई थिंक वो सभी है कि काम नहीं होता यहां पर थोड़ा सा हाँ, बेसिक चीज़ें जो हमने कई वीडियोस में बताई हैं कि लैंग्वेज बैरियर फैमिली फ्रेंड्स के को छोड़ के यहाँ आना पड़ता है आपको कल्चरल डिफरेंस होते हैं खाना अलग होता है सारे काम खुद से करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बड़ी डिफिकल्ट है ब्यूरोक्रेसी बड़ी मतलब डिफिकल्ट है यहाँ पर तो ये सारे फैक्टर तो हैं है ये किसी but, भी कंट्री में बट ओवरऑल दीपक एज ए कपल के लिए लाइफ थोड़ा अच्छी होगी यूरोप ट्रेवल करोगे Definitely. और आपको एक कंपनी हमेशा रहेगी जो कि अगर आप एक फॉरेन कंट्री में मूव करते हो ना तो आपको एक कंपनी चाहिए होती है लाइक

Uh, जो लोग लोग हैं, हैं आओ भाई मतलब करो, यही फिर नहीं मिलने वाला। अब आते हैं दीपक अपने actual डेटा पे, जिसके लिए करेंगे करेंगे। और उन्हें पता भी होना चाहिए कि कि भैया कितना मानी मानी, मानी. <laughs> करेंगे। तो जैसा हमने बोला था कि यहां पर different class होता है, क्लास वन टू थ्री फोर फाइव इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था समझाने के लिए आप वो देख सकते हो तो मान के चलते हैं जिसकी सैलरी सिक्सटी थाउजेंड है वो टैक्स क्लास थ्री में है जिसकी सैलरी फाइव फिफ्टी थाउजेंड है वो टैक्स क्लास फाइव में है तो विदाउट टैक्स जो आपकी सैलरी बनती है वो इंडियन रुपीस में अगर हम बात करें तो एट लाख फिफ्टी थाउजेंड कुछ साढ़े आठ लाख महीने का बनता है फिर जब जब टैक्स क्लास थ्री में टैक्स कट करने के बाद जो आपको इन हैंड आता है वो आता है थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूरोज मंथली टैक्स क्लास इतना टैक्स कट जाता है बल्कि ये टैक्स कम कटा हुआ है okay. बात करते हैं टैक्स क्लास फाइव वाले की uh -huh. उसको आता है फिफ्टी थाउजेंड सैलरी पे मंथली इन हैंड टू थाउजेंड टू हंड्रेड मतलब दस हजार गैप में आधे आधे से बस थोड़ी <laughs> से ज्यादा सैलरी मिलेगी <laughs> है ना ओके okay. तो आप हिसाब लगा सकते हो कि जो टैक्स क्लास फाइव में उसकी तो है उसकी ऑलमोस्ट 50% सैलरी गई ठीक है ओवरऑल कितना होगा मतलब 50% नहीं 40 टू 50 के बीच में हाँ। तो इन टोटल आप दोनों का जो मंथली बनेगा इनकम वो बनेगा 5700 महीना और ये टेक होम लाइक नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में आएंगे हाँ, ये आपका आफ्टर टैक्स ये आपके अकाउंट uh, में ये सैलरी आएगी तो कई बार कईयों को लगेगा वो तेरी यार आज ही ज़्यादा सैलरी तो कटी गई पर ठीक है उसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं वो हम बाद में बताएंगे और हमने कई वीडियो में बताया भी है पर ये आपकी सैलरी बनती है अब हम बात करते हैं सुरभि एक्सपेंसेस कितने होंगे कितना आप बचा सकते हो और कितने समय में आप कितना पैसा इकट्ठा कर पाओगे तो अगर हम देखा जाए हमने बताया बहुत सारे एक्सपेंसेस म्यूनिक जैसी जगह हैमबर्ग जैसी जगह और भी कुछ स्टुट जैसी जगह थोड़ा एक्सपेंसेस महंगे बिकॉज ऑफ रेंट बट अगर आप देखा जाए अगर आप एज ए कपल आते हैं तो आप थ्री मान लो कि आपका मंथली uh, एक्सपेंसिस होगा तो अगर उसमें देखा जाए 5700 माइनस 3000 तो मतलब आप बचाओगे 2700 विच इज इक्विवेलेंट टू कुछ ढाई लाख ढाई लाख के आसपास है ना ढाई लाख के आसपास अब आप ढाई लाख मान लो दो साल में आप इतना कमा बचा रहे हो तो आप अच्छा उससे पहले मैं एक ये बता दूं ये जो हम बताया ना 3000 ये एवरेज एक्सपेंसेस है जो पूरे जर्मनी का हम बात कर रहे हैं वो Munich का सुरभि ने बोला ज़्यादा तो सैलरी तो हाँ, मतलब आपको आपको हाँ, तो तो मैं आपको बता देती हूँ तो अगर आप मान लो कि दो साल में टू मतलब वही ढाई लाख दीपक ने बोला कि ढाई लाख जो है आपका पर मंथ जो है वो सेविंग होगा तो अगर आप दो साल की बात करें तो अराउंड 58 जो और वो कैलकुलेट ही नहीं किया कि आप स्विच करोगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी ठीक हाँ, है? है और भी हो सकता है आप बिजनेस स्टार्ट कुछ भी कर सकते हो राइट चार साल में आप सिर्फ ये दो की जो हमने केस बताया इसमें आप करोड़ रुपए जो है वो सेव कर सकते हो विदाउट एनी इंक्रीमेंट जो आपकी लाइफ जैसे चल रही है वैसे चलती रहे वज्यूम करके आप आराम से एक चार साल के अंदर एक करोड़ रुपये आप सेव कर पाओगे mm -hmm. आपके अकाउंट में होंगे विच यू कैन लाइक दिस इज वेरी गुड थिंग जैसा दीपक ने बताया कि एक्सपेंसिस कैन बी मोर और लेस डिपेंड ऑन आपकी लाइफ स्टाइल प्लस

ऑफ कोर्स हो सकता है आप लोग कमेंट करना ऐसे केसेस हो सकते हैं इंडिया में एक करोड़ सेविंग करना क्या इतना इजी है चार साल में आई डोंट नो यार मुझे नहीं लगता एक्चुअल में सैलरीज बढ़ी हैं पर हर किसी की नहीं बढ़ी हाँ। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो हम एवरेज सैलरी की बात कर रहे हैं मतलब मिनिमम टू एवरेज सैलरी हर किसी की इतनी ही होगी जो भी आएगा मिनिमम हाँ। आई सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं जो ब्लू कार्ड वीजा पर आएंगे एक्चुअल में तो उनकी मिनिमम इतनी ही होगी तो वो हर इंसान मिनिमम इतना तो बचाएगा ही इंडिया में जो एक ढाई लाख रुपए महीना बचाने वाले कम ही लोग होंगे हर कोई नहीं होगा एवरेज या मिनिमम नहीं होगा नहीं। तो ऑफ कोर्स अगर आप इफ़ यू आर थिंकिंग अ बेटर लाइफ जो हमने आपको सारे एग्जांपल्स uh, बताए वो इफ़ यू आर थिंकिंग टू सेव मनी लाइक वन करोड़ इज़ अ गुड अमाउंट चार साल में आप एक करोड़ रुपए कमा रहे हो फिर वापस जाते हो देन यू विल गेट अनदर

उससे भी बहुत आपकी लाइफ में मतलब फर्क पड़ता है और एंड ऑफ द डे पैसा तो हमने बताया कि आप चार साल में करोड़पति बनोगे करोड़पति पहले ही बन जाओगे सेव कर पाओगे <laughs> कई लोग मतलब ये एक्चुअली मैं मेरे को भी ये नहीं पता था व्हेन आई मैंने कैलकुलेट किया जब है तब मुझे लगा कि यार एक्चुअली जर्मनी में पैसा ही पैसा है एक जन वर्क करता है तो आई वुड से नॉट अगर दो जन काम करते हैं तो मैं बोलूंगी हाँ। लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल इस पैसा बचाने के बाद भी बहुत लेविश नहीं होने वाली यू विल हैव लाइक नॉर्मल लाइफ जैसी सब लोगों की लाइफ होती है क्योंकि आप बहुत सारी चीजें एफोर्ड नहीं कर पाओगे एंड बिकॉज दीपक को भागना पड़ा क्योंकि तारा उड़ गई थी बट वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है हमें यही सारी चीजें जो है वो कवर करनी थी होप यू लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो और आपका कोई केस हो प्लस हम लोग ये भी जानना चाहते हैं अभी इंडिया में किस तरीके की सैलरीज हैं क्या आप लोग इतना कुछ सेव कर पाते हैं वहां पर या नहीं वो भी प्लीज कमेंट करना इनकेस आप नंबर्स नहीं बता सकते तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा आइडिया दे दो कि हां यार इतने साल में इंडिया में भी करोड़ रुपए जो है वो कपल सेव कर सकता है इन अ सॉफ्टवेयर फील्ड या आप जिस भी फील्ड में हो अगर आपको कुछ आइडिया हो तो हम लोग आपके कमेंट्स का वेट करेंगे एंड ऑफ कोर्स आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड हाँ ऑफकोर्स बार बार मैं बोलती हूँ कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं व्लॉगिंग चैनल पर अपनी लाइफ बताते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो वीडियो में लाइक आप वो तो हमारा ब्लॉगिंग चैनल देखो ही प्लस हाँ, पर जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं वो भी टाइम टू टाइम आते रहेंगे जो कि हम आप लोगों के लिए बनाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए और अच्छा लगता है जब आप लोग यहाँ पर मिलते हैं और बोलते हैं कि आपको ये वीडियोज जो हैं वो हेल्प करे तो हाँ इसी के साथ हम मैं जाती हूँ और दीपक सामने ही खड़ा है क्योंकि तारा उठ गई है तो उसकी तरफ से भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय